रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है तो उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका एक पार्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन में है उस वक्त उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो उसकी एनर्जी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दरअसल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल एनालॉग है। अब हम देखते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। उसके लिए हम एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करते हैं जो कि किसी एक्सिस ए ए प्राइम के गिर्द रोटेट कर रहा है। अगर आप इस स्फीयर को देखें तो ये बहुत सारे मैस पार्टिकल से मिलकर बना है। सपोज कि हम इसके अंदर मौजूद एक आयत पार्टिकल उसको कंसिडर करते हैं। अगर हम उस आयत पार्टिकल की मूवमेंट को कंसिडर करें जो कि रोटेट कर रहा है इसी एक्सिस ए ए प्राइम के गिर्द, तो इसकी जो पोजिशन वैक्टर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो आर आई है। अब ये जो मैस है इसकी स्पीड वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा है। अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि आयत मैस की आयत काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट करें तो वो हाफ एम आई वी आई स्क्वायर के बराबर है। अब यहां पर एम आई वी आई स्क्वायर में वी आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें अगर, तो हमारे पास जो रिलेशन आती है वो है हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम इस तरह के तमाम मैस पार्टिकल्स जो कि स्फीयर के अंदर मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड अप करें तो स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें मिलती है, और वो है हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑनवर्ड्स, यानी कि तमाम मैस पार्टिकल्स को ऐड अप करने से हमें इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। अब चूंकि तमाम मैस पार्टिकल्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इसलिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा स्क्वायर उसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसको हम उस ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि आई से डिनोट किया जा रहा है तो इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू आई पुट करने से हमें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगी वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस तरह से कुछ केसेस में यूजफुल वर्क के लिए हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी व्हीकल इंजन की बात करते हैं तो उसमें जो व्हीकल का जो फ्लाई व्हील है वो अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से इंजन के फंक्शन को स्मूथ रखता है, यानी इंजन जिसका काम बेसिकली फ्लाई व्हील को ही रोटेट करना है तो फ्लाई व्हील अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से इस रोटेशन को स्मूथ करता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंजन किस तरह से काम करता है। अगर आप इस इंजन को अंदरूनी तौर पर देखें तो इसमें एक पिस्टन है और ये पिस्टन ऊपर और नीचे मूव कर रहा है और इसके साथ एक डी की शक्ल का सर्कल मूव कर रहा है जिसको हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, और ये क्रैंक शाफ्ट बेसिकली व्हीकल के फ्लाई व्हील के साथ कनेक्टेड है। अब ये इंजन फोर प्रोसेसेस में अपना फंक्शन मुकम्मल करता है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि इसने फ्यूल को सक किया राइट वाल्व से और उसके प्रेशर से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो इसके साथ क्रैंक शाफ्ट भी मूव कर रही है और फ्लाई व्हील भी मूव कर रहा है, और फ्लाई व्हील इसको ऊपर आने में मदद देता है। जैसे ये ऊपर आता है तो वो जो कंबस्टन का प्रोसेस है यानी वो जो गैसेस उसने इनटेक ली थी वो लिट अप होंगी, यानी कंबस्टन का प्रोसेस होगा, और उस कंबस्टन के प्रोसेस से प्रेशर से ये दोबारा से नीचे आएगा और अब फ्लाई व्हील दोबारा अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको सप्लाई कर रहा है और ये ऊपर की तरफ आता है, और इस दौरान ये जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको ये लेफ्ट साइड के वॉल्व से बाहर निकाल देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन फ्यूल
की मदद से और फ्लाई व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की मदद से चारों प्रोसेस कंप्लीट करता है। अब अगर हमने एक फ्लाई व्हील को क्रैंकशाफ्ट की मदद से रोटेट करना है तो इसके लिए व्हीकल में एक से ज्यादा पिस्टन काम कर रहे होते हैं और वो पिस्टन क्रैंकशाफ्ट की मुताबिक उसको अपनी रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटेट करते हैं और यहां पर जो फ्लाई व्हील है वो अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की मदद से इस प्रोसेस को स्मूथली रन करने में मदद देता है। यानी ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन यानी पिस्टन्स की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन कह रहे हैं। और इस मोशन को स्मूथली कंटिन्यू करने में फ्लाई व्हील अपनी रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसको सप्लाई कर रहा है।